जी हाँ दोस्तों, यस स्मार्ट करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। एग्जाम 2024 स्पेशल सीरीज क्लास 10th के लिए मैं लेकर आया हूँ फर्स्ट चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले? तो देखिए, वायु से जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ, जैसे कि देख पा रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो उसकी लेयर में ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड की परत लेयर होने के कारण ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थित में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, इसलिए उसे साफ किया जाता है रेत मार्ग के द्वारा या किसी के माध्यम के द्वारा। समझ में आ गया होगा दोस्तों? तो ऐसे ही कृष्ण प्रश्न और नेक्स्ट की हम बात करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 2024 स्पेशल सीरीज भाई आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए। पहला दूसरा क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? जी हाँ दोस्तों, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तु को हम जंग से बचाने के लिए ये पेंट करते हैं। जैसा ही इस तरह जंग लग जाने से इस तरह के हमारे जो है लोहे से बनी वस्तु दिखती हैं। जब लोहे से बने सामान नमी वाले हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत यानी आयरन ऑक्साइड की जमा हो जाती है। यह भूरे रंग की परत लोहे की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनाने से होता है, जिस धातु का संक्षारण कहते हैं या लोहे में जंग लगना कहते हैं दोस्तों। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिसे भोजन को सड़न कहते हैं, विकृत गंधिता को हमें परिभाषित करना। जब हम भोजन में वसा और तेल ऑक्सीकृत और तेल हो जाते हैं तो भोजन का स्वाद थोड़ा और गंध बदल जाता है, इसे हम विकृत गंधिता या रेसिडिटी कहते हैं दोस्तों। इससे रेसिडिटी होने से भोजन खराब हो जाता है और उसे भोजन का सड़न या भोजन को गंध बदल जाता है। जैसे कोई भी भोजन इसमें हो सकता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे अलग अलग प्रकार के भोजन, सभी प्रकार के भोजन जो कि वसा और तेल से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इनका स्वाद बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहा कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? तो जिस अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। दोस्तों अगर हम और बात करें तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निकलना, जिस तरह आग से हम मतलब ऊष्मा का निकलना, इसी तरह से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्षारण की सुरक्षा के दो तरीके लिखिए। कि मान लीजिए कोई वस्तु को अगर हमें संक्षारण से बचाना है तो क्या करना चाहिए? पहला पेंट लगाकर चढ़ा करके और दूसरा ग्रीस या तेल लगाकर, नए औजार जैसे कैंची चाकू मशीन आदि पर ग्रीस तेल लगाकर उन्हें संक्षारण से बचाया जा सकता है। पेंट लगा कर भी संक्षारण से बचाया जा सकता है। संक्षारित वस्तु इस तरह से दिखाई देती है अगर उसे संक्षारित नहीं, अगर पेंट वगैरह नहीं लगाया गया दोस्तों। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी तरह से वीडियो और प्राप्त करने के लिए स्पेशली 100% श्योर है इस प्रकार के क्वेश्चन।